इस महल में आके और ये कढ़ाई देख लीजिए, कितनी बड़ी कढ़ाई है। इसमें तो कम से कम 1000 आदमी के लिए बन जाएगा, ज्यादा ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हो MS बुरा ब्लॉग और मैं आज आया हूँ अपने बेटी के साथ और आज पहुँचा हूँ जोधपुर में। जोधपुर में हम आए हैं बेटी के साथ मेहरानगढ़ का एक किला, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, और हम जाने वाले हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का खूबसूरत इतिहास। और ये 500 साल पुराना इतिहास है महल। किले के पास से मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये खूबसूरत शहर जोधपुर का, बहुत ही प्यारा शहर है और खूबसूरत शहर। मेहरानगढ़ किले पे आए हैं और प्रिया के साथ, प्रिया की फ्रेंड, क्या नाम है, वंशिका, वो सामने फोटो खींच रही, उसकी मम्मी भी आई है, उसका भैया भी, और हम चलेंगे अभी किले के पास, तो चले फिर। पापा मेरी फोटो। ये बनाई गई है ऊपर मेहरानगढ़ जाने का, किला के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट, और हम इस लिफ्ट से जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ के ऊपर टॉप में और यहां से देख लीजिए, आपको खूबसूरत दृश्य दिख रहा है पूरे मेहरानगढ़ का। और उसके बावजूद भी थर्ड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर कम से कम ऊंचा और भी है ना, इसके ऊपर देखते हैं अगर जाने का होगा, नहीं तो यहां से बहुत ही खूबसूरत, यहां पे तोपे भी लगी हुई है और उस जमाने की तोपे, ये देख लीजिए, और इस तरीके की तोप, और यहां से देख लीजिए खूबसूरत नजारा आप। ये पूरा जोधपुर दिख रहा है आपको। दोस्तों, मेहरानगढ़ के जो हम अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर का दृश्य आप देख लीजिए, खूबसूरत नजारा और बहुत ही अच्छा कारीगरी, उस 500 साल पुराने जमाने का महल है ये पुराना। और हम चलते हैं अंदर। Thank you.
ये महाराजाओं के बैठने की जगह जहाँ दोस्तों मेहरानगढ़ के किले के अंदर है हम इस समय और खूबसूरत नक्काशी के साथ महल बना हुआ है। राजा महूज सिंह ने बनवाया था ये, और इस महल को 500 साल पुराना महल है। और भीड़ भी बहुत ही है, लेकिन हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बहुत बड़ा महल है। यूनानी टोड़ी, एक दरवाजा देख लीजिए कितना मोटा दरवाजा है। यहाँ पे भी वही, ये देख लीजिए, मंदिर में। और यहाँ पे मंदिर में एक भाई साहब हमें मिले और जो गा रहे हैं उत्तराखंड का सॉन्ग, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाते। जय हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मेहरानगढ़ के किले के सामने है, और यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी तोपें लगी हुई है, और बहुत ही पुरानी तोपें हैं यहाँ पे मेहरानगढ़ के किले में। कितनी बड़ी तोप है। और ये सामने दिख रहा है यहाँ से, अरे इन तोप का मुंह सारा जोधपुर की तरफ लगा हुआ। उस समय जितने भी आक्रमणकारी आते होंगे तो उधर ही से आते होंगे, इसलिए सारी तोपों का मुंह बिल्कुल जोधपुर की तरफ। ये देख लीजिए, तो दोस्तों मैं हूँ अभी मेहरानगढ़ के किले में, और जो है जोधपुर में, साथ में प्रिया भी, और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। तोपे, इतनी बड़ी बड़ी तोपे है ना, और इतनी सारी तोपे है, और सब कम हुआ है जोधपुर की तरफ। बहुत ही सुंदर महल, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा महल तो हम घूम के आ गए। और यहाँ पे ये तोप, इतनी बड़ी तोप है, बहुत ही बड़ी तोप। और देख लीजिए नीचे खूबसूरत नजारा दिख रहा है यहाँ से, और सामने है मंदिर। तो वंशी का कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, वंशी का और प्रिया ये दोनों साथ यहाँ पे इंटर्न है, और आज आए थे हम यहाँ पे फोर्ट में घूमने, साथ में प्रिया भी और मेहरानगढ़ फोर्ट में, और ये उनके पीछे भैया है, मम्मी उधर इंतजार कर रही बैठी हुई है क्योंकि थक गई बेचारी। वो बहुत बड़ा महल है, और इस मेहरानगढ़ के किले में
आके थकान भी लग जाती है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो हम जो ऊपर टॉप है ना, हम वहाँ पे गए थे, वहाँ से हम वो देख लीजिए, वहाँ पे और भी है। तो इसके बाद हम आ रहे हैं, अब यहाँ से जाते समय हम लिफ्ट से गए थे, आते समय हम यहाँ से आ रहे हैं और बस यहाँ से पहुँचने वाले नीचे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मेहरानगढ़ का जो किला बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीचे मेहरानगढ़ के महल के नीचे और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं प्रिया के हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि जो प्रिया का हॉस्पिटल है वहीं पे हमारे रहने की व्यवस्था है आज, तो वहीं पे निकल रहे हैं और कल कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलते हैं फिर। प्रिया को और उसको लगी है भूख, अभी बड़ा पाव खा रहे और अभी बड़ा पाव खा रहे। तो दोस्तों जोधपुर में सबसे एक अच्छी सी चीज मुझे एक चीज लगी कि यहाँ पे जो मकान, जितने भी मकान बन रहे हैं, दीवारें बन रही है, वो सारी चीजें पत्थर की बनेगी, क्योंकि जो ये पत्थर है ये काट काट के पत्थर खानों से निकाले गए हैं। और यहाँ पे जितने भी पहाड़ है ना, वो भी जितने भी आप मकान बन रहा है तो उसमें जो दीवार लगी है वो भी पत्थरों से चिनाई इसकी हुई है, देख लीजिए। और पत्थर इस तरीके की कटिंग होती है, छोटे से पत्थर और बड़े बड़े पत्थर। और जोधपुर तो वैसे भी फेमस है पत्थरों के लिए, और जोधपुर में पत्थर और मिठाइयाँ बहुत ही फेमस है। और देख लीजिए जितने भी आपको पत्थर दिखेंगे ना, सब पत्थर खानों के हैं। और यहाँ पे ईंट का प्रयोग बहुत ही नाक के बराबर में होता है। और हम पहुंच चुके हैं प्रिया के हॉस्पिटल में और थोड़ी देर बैठते। तो नहीं लग रही है? ना ना, भूख नहीं लग रही। मॉर्निंग वाली जो मील थी वो बहुत बेस्ट थी, पैक किया पूरा पैक, पेट बहुत ही अच्छा। इसका कैंपस है और ये प्रिया की फ्रेंड, उसकी मम्मी और उसका भैया।